सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन इन टैबलेट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली। अभी तक के सभी पैरामीटर्स में हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को देखा जाना जो एब्जॉर्प्शन को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स के अंतर्गत टैबलेट की दुनिया में मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है, जो कि किसी त्रुटि या किसी प्रॉब्लम होने की वजह से इफेक्ट करता है डिसइंटीग्रेशन को, फिर डिसोल्यूशन को, और अंततः एब्जॉर्प्शन को। ग्रेनुलेशन को अगर बहुत ही हम साधारण रूप में या कॉमन हमारी डे टू डे लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े, तो आपने किचन में देखा होगा कि आटे की, मतलब रोटी बनाने के पहले आटे की लोई बनाई जाती है, आटे का डो बनाया जाता है। उसमें पहले आटे को हम लेते हैं और उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं और फिर उसे गूंधते हुए एक डो बन जाता है। अगर डो की हम छोटी छोटी गोलियां बनाए, जैसे बूंदी होती है, वो भी एक किस्म का ग्रेन्यूल है। इसमें पाउडर में एक हम जैसे पानी डालते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर पाउडर है ड्रग्स आटे की जगह, और पानी की जगह है डाइल्यूएंट। इनको फिर हम मिक्सिंग करते हैं ग्रेनुलेटर में, और ग्रेनुलेटर में मिक्स होने के बाद छोटे छोटे एग्लोमेरेट्स नाम के ग्रेन्यूल्स तैयार हो जाते हैं, जिसे स्नोबॉल स्ट्रक्चर में कहा जाता है। तो ग्रेनुलेशन की टोटल चार मुख्य स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्प्रेइंग, जिसमें कि डाइल्यूएंट, बाइंडर और फाइनली ड्रग पाउडर सारी चीजों को मिक्स करके इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद मॉइस्चरिंग होती है, मतलब बाइंडर जो है वो दो पार्टिकल्स के बीच में एक ब्रिज फॉर्मेशन करता है, फिर धीरे धीरे उसको एयर से ड्राई करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन होता है, एंड देन फाइनली एक फिनिश्ड ग्रेन्यूल तैयार होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नोबॉल स्ट्रक्चर। तो ये ग्रेन्यूल्स की जो स्टेप है, इस स्टेप्स में तीन मुख्य चीजें हैं। नंबर वन कि बाइंडर की मात्रा, बाइंडर की मात्रा थोड़ी सी भी ऊपर नीचे पर होने पर सीधे सीधे डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो ये तो हम पिछले वीडियोस में देख ही चुके हैं कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बाइंडर की मात्रा, उसके बाद ग्रेनुलेशन का टाइम, मॉइस्टनिंग, सॉलिडिफिकेशन, हम मतलब हर एक एक पॉइंट मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन में इंपॉर्टेंट है। पूरा डाइल्यूएंट जो गीला होता है, एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको पाउडर में मिक्स करने के बाद हम जब ग्रेनुलेटर ऑन करते हैं उसकी टाइमिंग, उसके बाद फिर जब हम हॉट एयर से ड्राई करते हैं, मतलब गर्म हवा से उसको सुखाते हैं, उसका तापमान, मतलब हर चीज, हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ग्रेनुलेशन के स्टेप्स में। तो ये मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन कैसे समस्या बनता है, इसके पहले उसकी विधि जानना जरूरी था, तो इसे स्क्रीन के डायग्राम के स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपने देखा। अब हम आते हैं उस मुख्य मुद्दे पर, एक पॉइंट के ऊपर, जहां पर मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन कैसे एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर, कैसे एक समस्या का कारण बन सकता है ड्रग के डिसोल्यूशन में, डिसइंटीग्रेशन में, और फाइनली एब्जॉर्प्शन में। कि जब बाइंडर को मिक्स किया जाता है पार्टिकल के साथ, तब वो आपस में एक बॉन्ड बनाते हुए चिपक जाते हैं। अगर ये बॉन्ड स्ट्रक्चर ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपना लिया, मींस एक किस्म का बैलेंस स्ट्रक्चर, तो उस समय पे उसके लिए डिसइंटीग्रेट हो जाना, फिर डिसॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूटता नहीं है। दवा को जब हम खाते हैं तो स्टमक में जाती है, तो पानी उसे भेद नहीं पाता। फाइनली फलस्वरूप ड्रग टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होती और डिसॉल्व नहीं होती। तो फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक किस्म के बहुत स्टेबलाइज कर देता है ग्रेन्यूल्स को। यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ग्रेन्यूल्स के लिए स्टेबलाइजेशन का मतलब कि हम चाहते हैं कि ग्रेन्यूल इतने ठोस भी हों कि टैबलेट की इंटीग्रिटी को बनाए रखें, उसको मजबूत बनाए रखें, ताकि वो शिपिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूटे ना। और वहीं पर ग्रेन्यूल इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए कि स्टमक में जाते ही साथ पानी के साथ उसका सामना हो तो वो घुल भी जाए।
ये दो रूप उसे देने पड़ते हैं, और ये चीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ संभव नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल ब्रिज स्ट्रक्चर और केमिकल डिग्रेडेशन प्रॉब्लम आ जाती है मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन, और इसी को ओवरकम करने के लिए इसके समाधान हेतु आज की नॉवल नवीनतम टेक्निक में से एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है, इट्स कॉल्ड एस APOC, दैट इज एग्लोबरेटिव फेस ऑफ कम्युनिशन। ये कम्युनिशन बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें कि वेट ग्रेनुलेशन यानी कि गीले तरल पदार्थ रूपी बाइंडर का इस्तेमाल ना करते हुए पाउडर को सूखी अवस्था में ही डायरेक्टली कंप्रेस किया जा सके और टैबलेट बन सके, ताकि क्रिस्टल ब्रिज फॉर्मेशन और केमिकल डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं ना आए। ये तो आप सब भी एक कॉमन सेंस की बात समझते हैं कि जहां पर गीलापन आएगा, जहां मॉइस्चर आएगा, वहां पर केमिकल डिग्रेडेशन बढ़ सकता है। बाइंडर और डाइल्यूएंट को मिक्स करने के लिए हम जब लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं तो केमिकल ब्रिज बन सकता है। तो अगर हम सारी जड़, ये वो डाइल्यूएंट जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो इन सब चीज़ों की सारी जड़ है, अगर वही नहीं रहेगा तो काफ़ी हद तक काम बन सकता है। और इसी के लिए, इसको दूर करने के लिए एग्लोमेरेटिव फेस ऑफ कम्युनिशन APOC जो मैंने इसे टाइटल दिया है, वो काफ़ी मददगार होता है। APOC की एक्चुअल में ऐसी टेक्निक है जिससे पार्टिकल्स को काफ़ी स्मॉलर साइज, फाइन साइज में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बहुत छोटा साइज में किया जाता है, और साइज में करने के बाद मिक्स किया जाता है प्रॉपरली, और उसका डायरेक्टली उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि पार्टिकल साइज कम होता है तो इंटरनल सरफेस एरिया, विच वी कॉल्ड एज इफेक्टिव सरफेस एरिया, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन, स्पेशली वेट ग्रेनुलेशन जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विधि है टैबलेट में, प्रॉब्लम बन सकती है ड्रग के डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन में। इस वीडियो के सार को मैं एक संक्षिप्त में बुलेट पॉइंट्स में कवर कर देता हूँ। नंबर वन ये कि वेट ग्रेनुलेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है, लेकिन उसके साथ कई समस्याएं भी हैं। समस्याएं की सबसे बड़ी जड़ है लिक्विड फॉर्म का डाइल्यूएंट। लिक्विड फॉर्म का डाइल्यूएंट जब इस्तेमाल होता है तो बाइंडर ब्रिज फॉर्म स्ट्रक्चर कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसी समस्या आ सकती है, जो कि डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन को नेगेटिव फॉर्म में प्रभावित करता है। इसके बाद APOC एक ऐसी टेक्निक आई जिसने क्रिस्टल ब्रिज फॉर्मेशन और केमिकल डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं को दूर किया। तो आई होप कि ये काफी आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। थैंक यू।